अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो जी, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सहरी से, और मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ, आज 3:30 उठी हूँ। तो बस जी, मैं जल्दी से किचन में आई और आके मैंने आटा वगैरह अंडे वगैरह निकाल लिए हैं। तो बस जी, अभी मैं जल्दी से बनाऊँगी सहरी, और क्योंकि हम ऑलरेडी थोड़ा सा लेट है, क्योंकि यहाँ पे सहरी का जो टाइम है वो 4:45 तक होता है, तो मेरे पास टाइम कम था। तो बस ही मैंने जल्दी जल्दी से पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए, और अब्दुल्ला के बाबा ऑलरेडी उठे हुए थे, उन्होंने करना था ऑफिस का काम और वो दूसरे रूम में काम कर रहे थे। तो मैं बच्चों के साथ लेटी हुई थी, और लेटे लेटे मेरी कब आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला, और उनको भी नहीं पता चला कि टाइम इतना ज़्यादा हो गया, वो काम में बिज़ी थे। तो बस जी, मैं अभी जल्दी से बना रही हूँ सहरी, और मैं बस यही सोच रही थी कि अभी कोई बच्चा ना उठ जाए, क्योंकि शयान उठता होता है उसके पास, जब तक मैं लेटी रहती हूँ तो वो सोया रहता है, और जब मैं उठ जाती हूँ तो वो भी उठ जाता है। तो बस मैं यही दुआ कर रही थी कि शयान ना उठ जाए, तो क्योंकि अगर वो उठ जाता तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाना था सहरी करना, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हमारे पास शॉर्ट था। तो बस जी, यहाँ पर मैंने जल्दी से लस्सी बनाई और अंडे वगैरह बनाए, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं सहरी। अच्छा जी, आज यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है, और हल्के हल्के से बादल हैं, और ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से अब्दुल्ला कितना एंजॉय कर रहा है अपने कार्टून्स को देख के। पता नहीं, बच्चों की कोई अपनी कोई दुनिया होती है, अपने हिसाब से कुछ इमेजिन कर रहे होते हैं। और अब्दुल्ला की पता नहीं क्या ये अजीब सी आदत बन गई है, जब भी मैं इसको क्रिप में बिठाती हूँ ना, तो सबसे पहले ना बेडशीट निकाल के तो इसने बाहर फेंकनी होती है। अच्छा खैर, यहाँ पर बच्चे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, मामा के साथ मस्तियाँ कर रहे थे। तो बस इसी दौरान अब्दुल्ला के बाबा की कॉल आ गई कि आज आप ना रेडी रहना हम बच्चों के साथ, तो आज ना हम अफ्तारी बाहर करेंगे। तो हमारा प्लान था कि किसी पार्क में जाके अफ्तारी करेंगे, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था। तो बस ये अभी मुझे यहाँ पे बच्चों को सुलाना था, और सुलाने के बाद मुझे अभी खाना भी बनाना है और अफ्तारी भी रेडी करनी है। तो बस ये अभी मैं बच्चों को सुला के तो अभी खाना बनाने जाऊँगी। और यहाँ पे देखिए शान कितना पौला पौला बेबी लग रहा था, कितना अकेली अकेली कर रहा था मामा के साथ। अच्छा जी, बच्चों को सुलाने के बाद अभी मैं आ गई थी किचन में, और अभी मैं बनाने लगी थी कीमा और मटर। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है, जब भी मुझे जल्दी होती है ना, तो मेरे साथ कोई ना कोई पोपट होना होता है। अच्छा खैर, यहाँ पे अभी मैं मसाला रेडी कर रही थी, और अभी मैं इस मसाले को करूँगी चॉप। तो जी, मसाले को अभी मैंने डाल दिया प्रेशर कुकर में, और साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया, क्योंकि पानी मुझे थोड़ा कम लगा था। और साथ ही मैंने स्पाइसेस और कीमे को भी ऐड कर दिया है, और लहसुन और प्याज को मैंने साबुत ही रखा था, और अभी मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया। तो जैसे ही पानी ड्राई हुआ, और मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, ऑयल डाल के मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली, और भुनाई करने के बाद इसमें मैंने थोड़े से मटर डाल दिए हैं। और मटर डालने के बाद मैं इसको ज़्यादा नहीं भूनूंगी, क्योंकि ज़्यादा भूनने से ना मटर थोड़े हार्ड हो जाते हैं। तो खैर, इसमें अभी मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, पानी डाल के अभी मैं इसको ना पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब मटर गल जाएंगे और पानी थोड़ा ड्राई हो जाएगा, तो बस जी इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारा कीमा मटर रेडी है। अच्छा जी, अभी हम आ गए हैं पार्क में बच्चों के साथ। तो बस जी, अफ्तारी में अभी कुछ ही टाइम बचा था, तो यहाँ पे मैंने अपना दस्तरखान लगा लिया, और शयान को मैंने अपने पास लिटा दिया था ताकि ये रोए ना। तो खैर, आज मैंने अफ्तारी में बनाए थे दही भल्ले, क्रीम चाट और समोसे वगैरह थे। तो बस जी, अभी हम अफ्तारी कर रहे हैं यहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग थी, काफ़ी लोग आए हुए थे अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो जी, अभी अब्दुल्ला के बाबा चले गए थे नमाज़ अदा करने, और मैं यहाँ पे बैठी हुई थी बच्चों के साथ।
और ये देखिए अब्दुल्ला इतनी दूर जाके बैठ गया था, तो अब्दुल्ला की ज़िद थी कि मुझे बस बाबा लेने आए फिर ही मैं आऊँगा। मैंने इतनी आवाज़ें दी लेकिन अब्दुल्ला बिल्कुल नहीं था आ रहा, और अब्दुल्ला को यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था ग्रास के ऊपर चलने का, क्योंकि अब्दुल्ला ऐसे फर्स्ट टाइम चल रहा था। तो खैर हम अफ्तारी के बाद भी काफ़ी देर तक बैठे रहे वहाँ पर, और फिर बच्चों को भूख भी लगी और इनके सोने का टाइम भी हो गया। तो खैर अभी हम जा रहे हैं घर, और चलिए जी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।